क्वेश्चन नंबर टू, तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, फोर वाट वैल्यू ऑफ के माइनस फोर इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ब्रेकेट टू के प्लस टू। तो हमें क्या बताना है इसमें, के की वैल्यू क्या है अगर माइनस फोर इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो आप जानते हैं जीरो क्या होता है, जीरो क्या होता है, जो जीरो एक्स की वैल्यू होती है जिस पर पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल को हम क्या मान सकते हैं, पी एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू के प्लस टू। ये एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हमें गिवन है माइनस फोर। इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है माइनस फोर, जो ये जीरो है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स जिस पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस माइनस फोर इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल का जीरो है, ये पी एक्स का, पी एक्स का ये जीरो है। ठीक है, अगर ये माइनस फोर पी एक्स का जीरो है तो इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफोर पॉलिनोमियल पी की वैल्यू, ठीक है, किस पर, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर पर क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। ठीक है, पॉलिनोमियल पी की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर पर क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। इट इम्प्लाइज दैट, तो देखिए हमें पी माइनस फोर की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है पी माइनस फोर और राइट साइड में क्या है ये जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड में पी माइनस फोर की वैल्यू यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो इसमें आपको एक्स के प्लेस पर क्या क्या रखना है, माइनस फोर। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पी माइनस फोर की वैल्यू, तो रखिए यहाँ पर इसमें एक्स के प्लेस पर माइनस फोर, तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पर माइनस फोर लिख दीजिए, माइनस फोर का स्क्वायर माइनस माइनस एक्स के प्लेस पर माइनस फोर माइनस, और ये तो एज इट इज रहेगा टू के प्लस टू। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या होगा, पी माइनस फोर की वैल्यू। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में तो ये जीरो है, जीरो। इट इम्प्लाइज दैट माइनस फोर का स्क्वायर क्या होता है, माइनस फोर इंटू माइनस फोर प्लस का सिक्सटीन। ये ब्रेकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस फोर। इस ब्रेकेट को ओपन कर दीजिए तो माइनस प्लस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस टू के, और माइनस प्लस माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, तो देखिए प्लस का 16 और प्लस का 4 मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस का 20, और प्लस का 20 और माइनस का 2, प्लस का 20 और माइनस का 2 मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस का 18, और ये माइनस 2k इज इक्वल टू ज़ीरो। इट इम्प्लाइज दैट, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस 2 को राइट हैंड साइड में लेकर जा सकते हैं, 18 इज इक्वल टू माइनस 2 राइट में जाएगा तो प्लस का 2k बन जाएगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, अब इस 2 को जब लेफ्ट में लाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू के, 2 से डिवाइड कीजिए 18 को, 2 9 जा क्या होता है 18, देयरफोर क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू के, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है,